guys. Hi, this is Richa. I'm Shlo. And Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam to Find Out. हमें दिख रहा है वो मेहरीन चल के आ रही है. And she looks so pretty. ये पता है उस उसके जैसी दिखती है. एकदम सेम नहीं. बंदिश बैंडिट्स देखा है? बैंडिट नहीं, बैंडिट्स सुना है. उसमें जो लड़की है ना, मतलब सिमिलर फीचर्स है. वो भी बहुत बढ़िया था ना. हाँ, अच्छा था, काफी अच्छा था. सो यस, अभी गुस्से में लग रही है थोड़ी तो, क्योंकि उसने वैसे तो उसका लंच का प्लान था. ओ या, तो एग्जैक्टली भी आगे पीछे कर दिया. ओके, लेट्स स्टार्ट एपिसोड 10.1. Hi, Mary. Hi. What a pleasant surprise. Please, have a seat. Guess you? I'm fine. How guess you? Absolutely fine. आज तुम यहाँ पे कैसे? तुमने तो शामिर को लंच भी नहीं मिलाया हुआ था. Yes, exactly. लेकिन वो आया ही नहीं मेरे घर, और अब उसका फोन भी ऑफ जा रहा है. Can I ask you something? Yeah, sure. Go ahead. Have you noticed कि आजकल शामिर का रवैया और एटीट्यूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है? नहीं मेरियन, he's absolutely fine. अच्छा? Yeah. Excuse me. Oh, it's actually him. Oh, sure. Excuse me for one second. झूठ ना बोल दे. हेलो शमीर, कहाँ हो तुम? मैं फराज के साथ तुम्हारे घर पे. तो नजर नहीं आ रही, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी. तुम मेरे घर नहीं आए ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ तुम्हारे पूछने. नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं. वो मैं हॉस्पिटल चला गया था, सॉरी तुम्हें बताना भूल गया था, स्टिल लेट हो गया. हॉस्पिटल? ओह माय गॉड, आर यू ओके? यार तबीयत बहुत अजीब हो रही थी, अजीब, आई डोंट नो, बट आई एम गुड नाउ. बस भूख लग रही है. बस खाने का दिल है, तुम बताओ क्या सीन है? बस मैं आ रही हूँ. ओके, जस्ट वेट, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ. हाँ हाँ, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से आ जाओ. मैं मीनवाइल नैप ले लेता हूँ. ओके फाइन, बस मैं आ रही हूँ, यू रिलैक्स. ओके हाँ, चलो. ओके, आई सी यू. भाई तू तो किस तरह संभालता है नुसरों को यार. बिना टेंशन लिए तो भी मत लिया कर टेंशन. अच्छा वो क्या, सब ठीक तो है पप्पू? अरे ठीक कैसे हो सकता है, कुछ भी ठीक नहीं. वो क्या हो रहा है आपको? क्या हो गया? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो सकता है, हो सकता है अगर तुम चाहो तो. बाकी तुम ठहरो, ये जूता पकड़ो, मेरे सर में मारो जूता. सफिया, मेरे सर में जूता मारो. कैसी बातें कर रही हैं? पहले से मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? धरना तो पड़ेगा ना सफिया, सजा तो देनी पड़ेगी ना मुझे. हुआ क्या, बात तो बताए ना. आखिर बता दूंगी, एक एक बात बता दूंगी. पहले ये बताओ मेरे भाई साहब कहाँ है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी. भाई साहब दफ्तर से आए नहीं है अभी. दफ्तर से नहीं आए? अच्छा अच्छा ठीक है, उनको जल्दी से बुलाओ. सुकैना कहाँ है? कमरे में, अपने कमरे में. मेरी जान, मेरी बहू, मेरा चंदा. क्या हुआ, क्या है, क्या बात है, जरा जल्दी बताओ. है ना, तुम्हें यकीन नहीं आएगा शुभ्रा, लेकिन ऐसे समझ लो जैसे अम्मी ने कब्र का अंधेरा अभी से देख लिया. और शायद मौत का फरिश्ता. मौत का फरिश्ता? मैं सबके, मेरा बच्चा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई थी. मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझे माफ कर दो बच्चा. मैं बहक गई थी, भटक गई थी, मैं लालच में आ गई थी. मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी. बस मैं क्या करूं, क्या करूं? ये पुप्पी का रिश्ता जो है ना, ये है ही ऐसा, एक पल में शहद होता दूसरे पल में जहर बन जाता. बस हम, मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद तुम मेरे पप्पू नहीं खाओगी, तुम मुझे माँ खाओगी, माँ. ठीक है ना, आज के बाद मैं तुम्हारी पप्पू हूं ही नहीं.
बस मुझे माफ कर लो मेरा बच्चा, मुझे गलती हो गई, मैं मुझे माफ करो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं यार, हाथ तो नीचे करें पप्पो। पप्पो नहीं ना, माँ हूँ मैं तुम्हारी। माँ सद के माँ कुर्बान, ये हुई ना बात। और ये इतना प्यारा जेवर तुम्हारे पास, तो पुराना सोना लग रहा है, लगता है अम्मा का होगा, भाईजान को दे दिया होगा उन्होंने, है ना? नहीं ये मामा का है। तुम्हारी मामा का? उसके पास कहाँ से आया कगली कहीं की? नहीं उन्हीं का है और उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा तुम्हें दे दिया है, हमेशा के लिए तुम्हें दे दिया? जी जी। और तुम्हें हमेशा के लिए मुझे दे दिया है? मैं कुर्बान चली जाऊं ना अपनी बच्ची की? तुम देख रहे हो फजल बख्श का काम? सर वो अचानक कहीं चला गया तो मैंने सोचा मैं उसका काम देख लूं। वो छुट्टी लेके गया कुछ दिनों के लिए अपने गांव। हाँ सर मैं भी आपको यही बताने वाला था, लेकिन सर वो इतनी जल्दी में चला गया, मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं। मुझे पता जिसके लिए वो गया है उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका ससुर है ही इतना जालिम सर कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता। क्या क्या फजल बख्श का ससुर? क्या बात कर रहे हो बोले? सर आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं मैं देखता हूँ। अब आप प्लीज जल्दी घर आ जाए, गोपाल जुहेब आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है मैं पहुंचता हूँ फौरन। तुम शुभ्रा एक काम करो कि वो सुकैना को नरगिस से दूर ही रखना, ऐसा ना हो कि वो उसकी बातों का असर ले, वो पहले ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब। बाबा आप परेशान ना हो, वो यहाँ लड़ने नहीं आए, मैं मसला सुलझाने आई हूँ। अल्लाह ये सब क्या हो रहा है, कैसे, कुछ आइडिया है तुम्हें? जब यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपको पता है ये सब कैसे हुआ है? वो कह रही है वो जो बात करेंगी ना आपकी मौजूदगी में करेंगी, आप प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज परेशान ना हो। फजल बख्श कोई आम बंदा नहीं है, पक्का मौलाई है, मौलाई है। मैं पहुंचता हूँ, ठीक है? क्यों जा रहे हो लंदन? रुक जाओ कराची में। हाँ मैंने भी सोचा था मगर पराज किस किस्म के दोस्त हो तुम? समझाते नहीं हो शामिर को? समझाया ना मैं, कई बार समझाया, कितनी बार इसको मैंने कहा है कि मैं इनके साथ चिल करो, हैंग आउट करो, मगर ये सुनता ही और ये सब होते हुए भी मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा हूं? कोई वजह तो होगी ना, कोई बता दो। He's very funny. Really?
Because I don't get it. इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब हाँ मतलब हाँ आ गया. तुम बता रहे हो या मैं बताऊँ? तुम बताओ. उसको हाँ पता है, बता चुका हूँ मैं. बताया था ना मैंने तुम्हें, मुझे नहीं पसंद चपार उनको. मुझे एक लूजर, गुड फॉर नथिंग, एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकता. किसको पसंद है अपने लिए ऐसी बातें सुनना? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई डू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. सुखी तुम्हें डैड का तो पता ही है, वो जस्ट लाइक्स टू गिव अ हार्ड टाइम.